हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रिद्धि इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया तो इससे पहले हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ट्रिब्यूनल सिस्टम होता क्या है ट्रिब्यूनल बेसिकली होता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट इसलिए बनाता है ताकि कोर्ट्स जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हमारे चलते आ रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनका भार कम कर दे तो यहाँ पर ये सारे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ ऑफ लॉ में काम करते हैं उन्हीं के डिस्प्यूट्स और मैटर्स को सुनते हैं अपील्स को सुनते हैं डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते हैं रेगुलेशंस भी एनफोर्स करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव ज्यूरडिक्शंस के अंदर रह के बट ऑपरेट ये लोग ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम के बाहर ही करते हैं तो सारा मामला सेम है बस ये ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम के बाहर ऑपरेट करेंगे वो चीज़ है ठीक है तो फटाफट से इश्यूज रिजॉल्व करने का काम इनके पास है क्यों क्योंकि जुडिशरी का बाहर बहुत आ गया था बहुत सारे डिस्प्यूट्स इकट्ठे हो गए थे तो इस वजह से ये स्टेप लिया गया था तो अभी क्या है कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे न्यूज़ में अभी रिसेंटली क्यों है वो अब आप मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि ट्रिब्यूनल्स गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते कि वो पॉलिसीज़ बना दे अब हुआ क्या था कि एक आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल है यहाँ पर जैसे कि दिया गया है आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल का एक केस हो गया था कि उन्होंने गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाने के लिए कह दिया था फॉर द पोस्ट ऑफ जज एडवोकेट जनरल इनकी पोस्ट के लिए बेसिकली एक पॉलिसी बनाने को कहा था बट सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि क्या ये पावर उनके पास है या नहीं है क्योंकि ए एफ टी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड सेवन के थ्रू ये आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल बनाया गया था ताकि मिलिट्री एक्ट से रिलेटेड जितने भी केसेज हैं डिस्प्यूट्स कंप्लेंट्स वगैरह उनको फटाफट से उन पर डिसीजन लिया जाए एडजुडिकेट उनको किया जाए अब एडजुडिकेट क्या होता है बेसिकली ये एक लीगल uh, टर्म है एक लीगल रूलिंग या जजमेंट को कहते हैं जो कि फाइनल होती है बट बेसिकली एक लीगल केस को सेटल करने के काम आती है उसको कहते हैं एडजुडिकेट करना तो वो एक प्रोसेस है तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा था कि ट्रिब्यूनल्स गवर्नमेंट को, को कोई पॉलिसी बनाने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकती क्यों क्योंकि ट्रिब्यूनल जुडिशरी के डोमेन से बाहर है ओके तो ये आपका पूरा का पूरा मैटर था इस लेक्चर में हम ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया में पढ़ेंगे कि एक तो हमने देखा कि ये न्यूज़ में क्यों है कुछ थिंकर्स के व्यूज़ पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे फिर ट्रिब्यूनल सिस्टम होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से आर्टिकल्स हैं या कौन से अमेंडमेंट उससे डील करते हैं कौन सी कमिटी से रिलेटेड है ये फिर सिग्निफिकेंस क्या है कंसर्न्स क्या है कंसर्न्स या क्रिटिसिज्म भी कह सकते हो आप इसको और उन क्रिटिसिज्म को सॉल्व जब आप करते हो उनके लिए स्टेप्स लेते हो वो बन जाता है आपका वे फॉरवर्ड या वे अहेड ठीक है उसके बाद एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी उस क्वेश्चन को या तो आप लिख करके यूट्यूब के ही इस कमेंट सेक्शन में भरना या फिर आप मेल करके मुझे ज़रूर बताना मैं चेक करके ज़रूर भेजूँगी इसको ऑल्सो ये पर्टिकुलर कोर्स मेन्स फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है तो आप सिनापिजाइज डॉट कॉम वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा मेन्स फाउंडेशन कोर्स और स्पेशल uh, कोर्सेज में जाओगे तो मेन्स इन थ्री हंड्रेड कोर्स मिलेगा उसका भी ये कोर्स पार्ट है अब थोड़ा सा सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम की इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं कैसे ये बना था तो जो ट्रिब्यूनल सिस्टम है इंडिया में ये मिड ट्वेंटी सेंचुरी में बनाया गया था इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज थे जहाँ पर डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ गए थे तो उनको रेजोल्यूशन को प्रोसेस को जल्द रिजोल्व करने के लिए उन केसेस को ये ट्रिब्यूनल सिस्टम लाया गया तो पहला एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था कि इनकम टैक्स एपिलट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी 1941 में फिर बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स आए थे क्योंकि लीगल इश्यूज जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए थे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ भी चाहिए थी इसी वजह से अलग अलग तरीके के ट्रिब्यूनल्स इस्टेबलिश होने लगे थे जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ एन है एक एन करके एक ट्रिब्यूनल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं इसको 2010 में ये इस्टैब्लिश किया गया था और इसका मेन कंसर्न ये है कि एनवायरमेंटल डिस्प्यूट या फिर एनवायरमेंटल लॉज को एनफोर्स कराना ये सारे इनका काम है कि एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को एड्रेस करते हैं ये फिर एक और ट्रिब्यूनल बनाया गया था एसएटी तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये तो एनवायरनमेंट के केसेस सॉल्व करता है अब एसएटी आ जाता है एस क्या है सिक्योरिटीज़ एपेल ट्रिब्यूनल तो ये वो डिसीजन सुनते हैं जो कि से बी जैसी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा बनाए गए डिसीजंस अगर किसी को नहीं ठीक लगे या किसी के हक के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो वहाँ पर जाके अपील कर सकते हैं एस में तो ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है से क्या है तो ये बेसिकली यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये जितने भी लोग होते हैं ना जो कि सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है साथ ही साथ सिक्योरिटी की जो पूरी मार्केट चलती है उनको प्रमोट करना रेगुलेट करना ये सारे इनके काम रहते हैं ठीक है फिर एक ऐसे आती है एक यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये फिर एक आती है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डी इनका काम ये होता है कि जो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड uh, कोई भी डेट है उसकी फटाफट से रिकवरी कराई जाए तो उनके केसेस को एडजडिकेट करना ठीक है एडजुडिकेट करना अगेन एडजुडिकेट क्या होता है अगेन मैं बता रही हूँ लीगल रूलिंग या जजमेंट होती है जो कि फाइनल होती है एक बेसिकली किसी लीगल केस के प्रोसेस को सेटल कराने का काम ये रहता है उसको कहते हैं हम एडजुडिकेट कर देना केसेस को और लास्टली एक और बता देती हूँ सी करके है जो कि अभी लेक्चर में भी आगे आएगा सी आई टी एक ऐसा ट्रिब्यूनल सिस्टम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशन या फिर डिसिप्लिनरी मैटर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सामने आता है ओके okay, तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम आया था ठीक है बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए फिर जो जैसे कि मैंने आपको बताया जिसके अलग अलग पर्पज थे फिर 2017 में इस पूरे ट्रिब्यूनल सिस्टम का रीऑर्गनाइजेशन करती है सरकार जिसमें ट्रिब्यूनल्स का नंबर 26 से घटा करके 19 कर दिया जाता है ठीक है अब यहाँ पर क्या है आप ये देखो कि लगातार ट्रिब्यूनल सिस्टम में भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ठीक है लगातार आप वो चीज़ देखोगे फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल एक्ट लाते हैं ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 में लाया जाता है जिसमें बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कि जिनको अबॉलिश कर दिया जाता है और उनके फंक्शंस को वापस जुडिशल बॉडीज़ को ट्रांसफर कर दिया जाता है जुडिशल बॉडीज़ कौन सी हो गई ये वही बॉडीज़ हैं जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह ये सारे हो गए ठीक है अब कुछ थिंकर्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी विचारधारा है हम थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहले है मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू कहते थे सिंपल चीज़ अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये याद होना चाहिए पावर्स की सेपरेशन में वो बिलीव करते थे ताकि टेरिनी ना आ पाए अगर आप मान लो लोगों में पावर्स डिवाइड कर दोगे तो एक ही बंदे का एक ही बंदे की हुकूमत नहीं चलेगी तो टिरनी को प्रिवेंट करने के लिए मॉन्टेस्क्यू आगे आए थे और उन्होंने गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी इन्श्योर करने की बात की थी तो इंडिया का जो ट्रिब्यूनल सिस्टम है इसी प्रिंसिपल को अपहोल्ड करके रखता है एक इंडिपेंडेंट फोरम प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए चाहे स्टेट और सिटीजनस के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर लिखा जरूर हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट फोरम प्रोवाइड करता है पर क्रिटिसिज्म भी यही बनता है इसका कि इतना इंडिपेंडेंट है नहीं जितना लिखा हुआ है ठीक है ना अब नेक्स्ट आ जाता है ए वी डायसी ए वी बेसिकली रूल ऑफ़ लॉ की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा मानते हैं वो कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ मेन चीज़ होती है ट्रिब्यूनल सिस्टम जो इंडिया का है वो आपको बेसिकली रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में हेल्प करता है एक मैकेनिज्म देता है सिटीजन्स को सिटीजन्स अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को चैलेंज कर सकते हैं जो कि आर्बिट्रेरी हो या फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हो ठीक है तो उनके हक में एक अच्छी चीज़ बनाई गई है बेसिकली अब जॉन रॉल्स हैं जॉन रॉल्स पर तो काफ़ी टॉपिक्स हैं और ऑल्सो एक चीज़ और बता दूं कि पी एस आर ऑप्शनल के भी करंट अफेयर्स का ये पार्ट रहेगा लेक्चर ओके तो जॉन रॉल्स ने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है उन्होंने कहा है कि इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को प्रमोट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैसे ये जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट्स पे अपना फाइनलाइज करता है जो कि सोशल वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड हो सकते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर ऐसे मैटर जो कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं ठीक है या फिर उसको अफेक्ट करते हैं अब ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेशी जुडिशियल बॉडी होती है अर्ध न्यायिक निकाय है ठीक है तो यहां पर क्या होता है इनका काम होता है फटाफट से अपने मैटर्स को रिजॉल्व करना आज की डेट में ट्रिब्यूनल्स भी मैटर्स से भर गए हैं मतलब उन वो भी ओवरलोड हो गए हैं ट्रिब्यूनल्स बनाए क्यों गए थे इन द फर्स्ट फेज बनाए ही इसीलिए गए थे कि वो मैटर्स को ट्रेडिशनल कोर्ट्स के मैटर को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें और आज की डेट में तो उनको भी आगे किसी की नीड पड़ रही है कि उन्हीं के पास इतने सारे मैटर हो गए हैं कि वो कैसे रिजॉल्व करें ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नीशन इसका ये है बेसिकली कि आर्टिकल्स 323 ट्वेंटी ए थ्री ट्वेंटी बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1976 में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किए गए थे उससे ये ट्रिब्यूनल सिस्टम इस्टब्लिश हुआ था ठीक है तो अब ये है क्या कि हर एक देखो अलग अलग टेक्निकल मैटर्स होते हैं उसमें हर एक टेक्निकल मैटर्स में एक एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है उसी एक्सपर्टीज़ के लिए यहाँ पर ये यह कॉम्पोजिशन और जूरिस्डिक्शन ट्रिब्यूनल्स का उसी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे बनाया जाता है तो यहाँ पर हर एक ट्रिब्यूनल में एक्सपर्ट मेंबर होते हैं अब जैसे कि मैंने आपसे एन की बात की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि एन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट देखता है अब वहाँ पर मैं आपको एक टैक्स रिलेटेड बंदा ले आऊँगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना वो वहाँ पर पर एनवायरमेंट रिलेटेड एक्सपर्टीज़ होगी किसी की तो वो बेटर रेजोल्यूशन दे पाएगा आपके मैटर्स का ऐसे ही अगर आपको सिक्योरिटीज़ रिलेटेड है तो उसी के लिए सिक्योरिटीज़ एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था कि सिक्योरिटी रिलेटेड या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं वो रिजॉल्व कर पाए कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जिनकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है एपेलेट बना है अपील शब्द से तो यहाँ पर क्या एपिलेट जुरिस्डिक्शन मतलब कि अपील्स आती हैं लोअर अथॉरिटीज से गवर्नमेंट बॉडीज से अपील्स के थ्रू आप आ, आ सकते हो कैसे जैसे कि मान लो अभी एक केस है वो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया फिर वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाएगा वो हाई कोर्ट में आप लेके जाओगे अपील करोगे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया आप हाई कोर्ट में अपील डालोगे हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया वो भी पसंद नहीं आया फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में अपील डालोगे तो ये पूरा प्रोसेस अपील का है एपिलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर ये आ जाएगा ठीक है ना तो ये आपका पूरा मैटर है अब सिग्निफिकेंस क्या है इम्पोर्टेंस क्या है इनकी ट्रिब्यूनल्स की तो सबसे पहले तो ट्रिब्यूनल्स का कुछ ऐसे लीगल टेक्निकल एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ होता है ताकि वो बेटर डिसीजन दे पाएं अभी मान लो कोई भी ऐसा पर्सन ले आऊँगी नहीं होगा उसका एक्सपर्टीज़ तो अच्छा डिसीजन नहीं दे पाएगा है ना स्पेशलाइजेशन होती है फिर उससे क्या होता है एफिशिएंसी भी आती है आपका जो एजुटिकेटरी प्रोसेस है पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा ना ट्रिब्यूनल्स जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट्स को ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे जो केसेस में बैकलॉग आ गए हैं रेगुलर कोर्ट्स में उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे है ना फिर यहाँ पर केस लोड बेसिकली रिड्यूज़ होगा इससे जल्दी से जल्दी केसेज रिजॉल्व होंगे टैक्स डिस्प्यूट्स हो गए एनवायरमेंटल ईशूज़ हो गए इन सब के लिए फिर असेसिबिलिटी असेसिबिलिटी यानी कि पहुंच इसमें क्या है ट्रिब्यूनल्स के पास अलग अलग बेंचेस होते हैं अक्रॉस द कंट्री ताकि जस्टिस के लिए ईजियर एक्सेस हो तो बेसिकली बेसिकली एक असेसिबिलिटी फ़ोरम बनाते हैं अभी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा ना तो दिक्कत आएगी ट्रिब्यूनल जाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर है तो यहाँ पर ये असेसिबल फोरम्स हैं ताकि आपके डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपनी नीड्स के हिसाब से उसी ट्रिब्यूनल में जाके अपना प्रोसेस रिजॉल्व कर आ सकते हैं अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करा सकते हैं साथ में एक्सपर्ट एजुडिकेशन हो जाता है अब कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं ट्रिब्यूनल मेंबर्स में तो उनको पता होता है कि अभी अच्छा डिसीजन कैसे देना है तो यहाँ पर क्वालिटी आ जाती है एक तरीके से एजुकेशन में एफिशिएंसी सर्विस मैटर्स में आती है जैसे कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जैसे मैंने आपको कैड के बारे में भी बताया था अभी है ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें रिजॉल्व करता है तो यहाँ पर क्या है कि अफिशंसी आ जाती है सर्विस मैटर्स में क्योंकि इस तरीके के जो एक्सपर्टीज़ लेकर के आते हैं ट्रिब्यूनल्स वो जल्दी से इश्यूज समझ के सॉल्व कर पाते हैं फिर कुछ कंसर्न्स भी हैं सबसे पहला कंसर्न तो वही है जो मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेस्क्यू वाले पॉइंट में लिखा ज़रूर हुआ था बट रियल रियालिटी में अगर आप बात करोगे तो वो एक क्रिटिसिज्म बनता है कि इंडिपेंडेंस नहीं है इंडिपेंडेंस नहीं है ट्रिब्यूनल्स uh, में के है कि क्रिटिक्स ही आर्ग्यू करते हैं कि ट्रिब्यूनल्स पूरी तरीके से उनके मेंबर्स तो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अब गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशू आ गया तो क्या जिसने उनको अपॉइंट किया है उसके अगेंस्ट वो डिसीजन दे सकते हैं या नहीं तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स के इंडिपेंडेंस पे बहुत सारे इशूज़ भी रेज किए गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एग्जीक्यूटिव का रहता है फिर उसके बाद केसेस बहुत टाइम तक पेंडिंग रहते हैं फॉर एग्जांपल 2021 में जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था ए के इतने केसेस पेंडिंग थे क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं थे उसे क्या होता है डिले हो जाता है बैकलॉग आता है ठीक है जल्दी जल्दी केसेस को डिस्पोज ऑफ़ नहीं कर पाते हैं एक्यूमलेशन होता रहता है पेंडिंग मैटर्स में जुडिशल रिव्यू भी नहीं है क्योंकि ट्रिब्यूनल डिसीजन में ना सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम आती है कि क्या उसका जुडिशल रिव्यू का स्कोप क्या है कि मतलब कि वापस अगर मान लो मुझे ट्रिब्यूनल का डिसीजन पसंद नहीं आया अब मैं क्या करूं क्या मैं दोबारा से जा सकती हूं वहां पर ये अपील लेके कि भई मेरा आप डिसीजन को वापस से रिव्यू करो तो ये सारी चीज़ें जो है यहां से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इनफैक्ट जो मेंबर्स हैं उनका भी टेन्योर बहुत ही शॉर्ट है और जो प्रोविजन्स दिए गए हैं उनके री अपॉइंटमेंट के वो अगेन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और बढ़ा देता है ओवर द जुडिशरी फिर लैक ऑफ़ अन यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसीजर्स अब अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं सबके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं जिसमें इनकसिस्टेंसी आती है लीगल एप्लीकेशन में सब अपने अपने प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं फिर उसके बाद ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस मतलब कि अभी मान लो कि रेगुलर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है ट्रिब्यूनल्स ने कुछ डिसीजन दे दिया तो यहाँ पर क्या हो गया जुरिस्डिक्शन ही आपका ओवरलैप कर गया तो आप किसकी बात सुनोगे इनकी बात सुनोगे या इनकी बात सुनोगे वो दिक्कत है टेक्निकल मेंबर्स के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स हैं कुछ ट्रिब्यूनल्स के ऐसे टेक्निकल मेंबर्स रखे हुए हैं जिनकी कोई लीगल क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है तो वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि इनकी लीगल क्वालिफ़िकेशन तो है नहीं तो अब क्या करना है फिर वे अहेड में आप ये बात करोगे कि वे फॉरवर्ड में अब इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे वे फॉरवर्ड में है ना सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस बढ़ाएंगे हम कि कुछ ट्रिब्यूनल मेंबर्स के अपॉइंटमेंट रिमूवल के लिए कुछ मकानिज़म होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे है ना फिर एम्प्लॉयमेंट uh, का जो टेन्योर है उसमें भी लजस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए मतलब कि गवर्नमेंट का लिमिटेड रहना चाहिए इन्फ्लुएंस फिर उसके बाद अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो ट्रिब्यूनल्स की तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था कि आपको एक नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन की नीड है जो कि जितने भी छोटे छोड़ छोटे ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं ना अलग अलग स्पेशलाइज एरिया के उन सारे ट्रिब्यूनल्स का एडमिनिस्ट्रेशन एक ट्रिब्यूनल देखेगा एक कमीशन देखेगा जो कि है नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन ठीक है ना अब टाइमली अपॉइंटमेंट्स मतलब कि आपको अपॉइंटमेंट प्रोसेस को जल्दी से जल्दी एक्सपिडाइट करना है ताकि केस जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो पाए और बैकलॉग ना क्रिएट हो कि भैया जल्दी जल्दी काम करो जल्दी जल्दी से अपने डिसीजन दो और आगे जाने दो फिर क्लियर जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज तो मतलब कि आपको अपना ज्यूरसडिक्शन क्लियर होना चाहिए कि आपस में एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट आए रेगुलर कोर्ट्स के साथ आपकी बाउंड्री एक सेट होनी चाहिए कि हम इन केसेस पर डिसीजन दे सकते हैं आप इन केसेस पर डिसीजन दे सकते हो तो हमारी बाउंड्री सेट है हम यहाँ नहीं आएंगे आप यहाँ मत आओ सिंपल ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन तो ये आपको इन्शोर करना पड़ेगा कि ऐसे लोग ना भर लो आप ट्रिब्यूनल्स में जिनको कोई अता पता नहीं है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिनकी क्वालिफिकेशंस नहीं है जिनके पास लीगल क्वालिफिकेशन नहीं है ट्रेनिंग नहीं है कि वो लीगल प्रिंसिपल्स को समझ भी पाए वो चीज़ इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो उनका प्रशिक्षण और योग्यता वो सुनिश्चित करना ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो ओवरऑल आपका ये टॉपिक था इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ से आप देख सकते हो कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज ठीक है तो इसके सिग्निफिकेंस चैलेंजेस बताने हैं ट्रिब्यूनल सिस्टम ऑफ इंडिया के इन इन्श्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस अब मैं आपको इसमें कैच बता देती हूँ ये जो पहली लाइन है ना वो इसको आंसर नहीं करना आपको एक तरीके से ये जो पहली लाइन है वो बस दी हुई है मेन क्वेश्चन क्या है जिसको आपको आंसर करना है वो है सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस बताने हैं ट्रिब्यूनल सिस्टम ऑफ इंडिया के इन इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस ये जो पहली लाइन है ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टार्टिंग में आंसर के स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते हो इसको एक बेस बनाने के लिए बट ओवरऑल जो आपका आंसर की पूरा बॉडी रहेगी वो रहेगी सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस पर बेस रहेगी ऑफ ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया इन इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस ओके तो यहाँ पर आपका ये पूरा टॉपिक था पहली लाइन तो बस ये है ना कि अपना आपका एक करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया ओके okay? तो ये हिंट दिया है तो आप ये आंसर ज़रूर लिख के भेजना चाहे तो आप 50-100 वर्ड्स का लिख के दो ताकि लिखने की प्रैक्टिस तो करो एटलीस्ट ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर